अगर तुम मेरे से पूछोगे कि आपके YouTube में बेटर कंटेंट है या पेड बैच में दोनों कंटेंट बेटर कंटेंट है, तो आई विल से कि दोनों में एग्जैक्टली एक जैसा है। कोई भी तुम्हें पेड बैच में कोई भी ऐसा अमृत नहीं मिलने वाला है जो YouTube पे नहीं है, ये ठीक है। देयर इज कंप्लीटनेस, जहाँ तक थ्योरी पढ़ेगी कंप्लीटनेस पढ़ेगी। तो अगर देखो इस YouTube चैनल को खोलने का पर्पज ही ऐसे बच्चों को हेल्प करना था, दैट इज द सिंगल पर्पज। एवरी ईयर आई फाइंड थाउजेंड ऑफ मैसेजेस जो मेरे को बोला, हम बोल देंगे थैंक यू टीम कॉम्पिटिशन आपकी वजह से मैं पढ़ पाया, तो हमारे लिए तो वही उससे बड़ा कोई भी जैसे बोलते हैं पैसा नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन गेट। तो अगर कोई कुछ कुछ बच्चे देखे हमारे पास ऐसे भी आते हैं, जैसे कुछ दिन पहले बच्चा आया, उसके पापा बेचारे मजदूरी करते हैं ना, अब वो बोला कि नहीं मैं तो पेड में पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ोगे भाई यूट्यूब में क्यों नहीं पढ़ सकते, कि नहीं मेरा क्या बोलते हैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता। अरे बेवकूफ हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू से ये दिस थिंग, डिसिप्लिन नहीं रह पाता, तुम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें घर की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि भाई तुम्हारे पापा को ये जो फीस देंगे कहीं पे भी जाके जो फीस देंगे, अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे एक डेढ़ लाख की फीस होगी कम से कम, जहाँ पे अगर कहीं ढंग की जगह पढ़ोगे तो, एक डेढ़ लाख की फीस देने के लिए उनका अगला छः साल तक उन्हें हो सकता है कि वो उतारना पड़े पैसा। तुम्हें एक बार मतलब इतनी तो शर्मानी चाहिए, इतने तो बड़े हो ही गए हो कि ये सोचो कि भाई पापा मेरी मजदूरी करते हैं, उन्हें 10-10, 12-12 घंटे फिजिकल वर्क करते हैं, ये ठीक है, और तुम लाख साहब ऐसे हो कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कि मैं डिसिप्लिन वे में नहीं रह सकता। अगर फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है तो सभी को थोड़ा थोड़ा चिप इन करना पड़ता है, सभी को थोड़ा थोड़ा हेल्प करना पड़ता है, परिवार के हर सदस्य को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने डैडी को बिल्कुल जोत तो दो कि मेहनत तो तुम करो, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे को कोचिंग कराओ, इतनी बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो बंदा 10-12 घंटे अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो इतने तो मैच्योर होते हैं कि भाई बचपन से देखा होता है कि पापा सुबह जाते हैं रात को आते हैं, कोई किसी तरह का कोई ऐशो आराम नहीं है, पूरे दिन मेहनत करें, किसके लिए करें, हमारे लिए करें, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना। मतलब आप अपने मन पर कंट्रोल क्यों नहीं रख सकते जब आपको सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, क्यों पैसा खर्च करें, मतलब क्यों पेड कोर्स भी लेना है तो भी हम 25-30 हज़ार क्यों खर्च करें, या फिर ऑफलाइन लेना है तो 1-1.5 लाख रुपये क्यों खर्च करें, आगे जाकर इंजीनियरिंग करोगे वहाँ पर भी खर्चा होगा, प्लस अगर तुम ऑफलाइन कहीं कर रहे हो तो वहाँ पर रहने खाने का भी खर्चा होगा। मतलब आपने जो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स की टफ लाइफ है उसको तो हेल्प बना दिया। तो ऐसे बच्चों को मैं ये जरूर बोलूँगा कि बेटा अगर घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो सभी को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, तुम्हें भी मेंटली सहयोग करना पड़ेगा। मतलब तुम तो और ज़्यादा फायदा जाना चाहिए कि मैं तो काफ़ी जगह तो ऐसे होते हैं कि पेरेंट बेचारे खुद बोल देते हैं बेटा पढ़ ले, है ना, हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे एग्जाम, बट बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को तो यूट्यूब से मैं पढ़ के निकाल दूँगा, मेरे को चाहिए ही नहीं पैसा ऐसा जिसके साथ कंडीशन अटैच हो, जिसके साथ दूसरे की मिजरी अटैच हो। तो ऐसे बच्चे जो स्पेशली जिनके घर में अगर इतनी दिक्कत है कि उन्हें फीस देने के बाद उन्हें मतलब 1-2 साल लग जाएगा या 2-3 साल लग जाएगा रिकवर करने में फाइनेंशियली घर वालों को, तो बेटा आई विल से कि बी स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है, ये तो फिर तुम्हारे दिमाग में आग लग जानी चाहिए कि मैं ऐसे निकाल के दिखाता हूँ, हर साल और भी बच्चे निकालते हैं, जब वो निकालते तुम भी निकाल सकते, फिर क्यों बहाने चले। तो आई विल से कि ऐसे बच्चों को तो यूट्यूब पे ही जाना चाहिए स्ट्रिक्टली आई विल से, वरना क्या होगा फालतू तुम्हारे दिमाग में एक बोझ रहेगा, अभी समझ में नहीं आता, हो सकता है 4 साल बाद तुम्हें समझ में आए कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, पेरेंट्स को इतने प्रेशर में डालते। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल पेड बैच, अगर एज पे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे कि यूट्यूब इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट करना है वो तुम्हें अपने अपने अटेंशन और अपने डेडिकेशन से पे करना है, विच यू कैन डू बिकॉज दैट इज़ इन योर हैंड, और कुछ भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं, तो ये तो अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए।